अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो वेलकम है आपका इस चलते फिरते व्लॉग में। तो आप सोच रहे होंगे विदाउट इंट्रो एक कैसा व्लॉग है। तो आज हम जा रहे हैं डूरुशाहबाद, जहां हमारा एक इवेंट है दूरदर्शन का। तो चलते चलते ही मुझे व्लॉग बनाना पड़ा। तो हम पहुंच चुके थे आरावल एंड सीधे हम रसूल मीर ऑडिटोरियम गए एंड देखा तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट थी, क्योंकि मेजर सर भी वहाँ पे आ चुके थे और हम थोड़ा लेट ही पहुँचे थे। तो स्पीकर था एक्चुअली मैं इस इवेंट का, तो यूथ के लिए ये इवेंट था एक्चुअली, कि यूथ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए एंड सब कुछ यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहा। तो मैं भी आपको सुनाता हूँ कि जब मेरे पे क्वेश्चन आया कि व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट स्टफ, तो मैंने भी अपना आंसर दे दिया। पहला सवाल यहाँ पे ज़्यादातर मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स ही है। अभी तक बात चल रही थी डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन ज़्यादा है, ड्रग्स ज़्यादा है, हर तरह मुझे लगा कि यूथ को लग भी रहा था कि हमारा जो डूरुशाहबाद है स्विच अंदर अंदर ख़त्म हो गया। बट ऐसी बात नहीं है, बींग एन इनोवेटर तो मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया लगभग 50 से 60 इनोवेटर्स हैं। इनोवेटर्स मीन्स कि जो नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं ना, तो उन 50 से 60 इनोवेटर्स में 20 से 30 इनोवेटर्स हमारे कश्मीर से हैं। आप सोचो कि ये कितनी खुशकिस्मती की बात है। और एक बात मैं ऐड करूँगा कि उन इनोवेटर्स में से लगभग 13 से 15 इनोवेटर हमारे डूरुशाहबाद से हैं। तो डूरुशाहबाद को द हब ऑफ इनोवेशंस भी बोला जाता है, ये आपने सुना नहीं होगा अभी तक। तो ग्रास रूट इनोवेशंस से लेके हमारे इनोवेटर्स इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं, वहाँ पर अपने इनोवेशंस को पिच करा है एंड आज सक्सेसफुली वो मतलब इंडिया को दिखा चुके हैं। रिसेंटली एलजी सर ने भी हमारा बोला था, हमारा एक इनोवेशन मिशन है कि जो हमने 2016 में स्टार्ट किया था कि रेवोल्यूशन ऑफ इनोवेशन, रेवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कश्मीर से स्टार्ट होगा। लेकिन एक खुशकिस्मती की बात है कि उसमें बच्चे जुड़ रहे हैं। आज छोटे बोजन की फलानी लड़के ने ये बनाया, वहाँ पर 6th क्लास का लड़का है उसने ये इन्वेंट किया। तो चेंज आ रही है यूथ में बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे और एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हमने इनोवेशंस को लेके एक क्लब बनाया था, सेंटर बनाया था, द कलाम इनोवेशन सेंटर एंड ऑल ओवर कश्मीर 3000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास है। लेकिन अभी हमने रिसेंटली डिग्री कॉलेज डूरू में इनोवेशन काउंसिल करके एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें सबसे बड़ी और मेन बात हमें आई लास्ट में डिस्कशन में कि फंड्स कहाँ से हम रेज करेंगे। हम स्टूडेंट को तो इक्विपमेंट्स देंगे, लेकिन वहाँ से फंड्स मिलेंगे तो मिलेंगे कैसे? तो मैं एलजी सर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। रिसेंटली मैंने दूसरे एक नेशनल